अस्सलामुअलैकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सही भाई कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, तो एक और नया टॉपिक आज आप दोस्तों के सामने। जैसे कि अभी इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाजी की तैयारी की वीडियो तो मैं खैर नहीं बना पाया, लेकिन कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस तरह के दे दूंगा कि ताकि आपको कबूतर स्टार्ट करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, कबूतर को चालू करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरी वीडियो दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इधर नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका फायदा आपको ही मिलेगा कि जब भी अगली मैं वीडियो अपनी डालूंगा वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कबूतर को चालू किस तरीके से करें। कुछ पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, अगर कुछ पॉइंट रह जाएंगे तो मैं वीडियो को लास्ट में आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, जो पॉइंट रह जाएंगे उसके लिए अगली वीडियो में बना दूंगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है मेरे सभी प्यार भाइयों को, तो कोशिश करूँगा छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा समझा पाऊँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने क्या करा, परपटाई वगैरह आपने कर ली होगी अपने कबूतरों की, अब बस लोगों को इंतजार होगा कबूतर उड़ाने का। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर अगर आपकी बाजी के हिसाब से आपको चालू करने, यानी कि जब आपकी बाजी के टाइम रह जाए ना, तकरीबन डेढ़ से पौने दो महीने रह जाए बाजी उड़ने में, फिर आपको कबूतर फड़क लेनी चालू कर देनी है। ठीक है दोस्तों, आपको फड़क किस तरीके से लेनी है चालू करने के साथ, जैसे रात को क्या करना है, दो दिन पहले क्या करना है कबूतर साथ में। जब भी आप फड़क चालू करोगे अपने कबूतरों की, तो मैं बताता हूँ अपने कबूतरों की, मैं करूँगा 10 तारीख से फड़क चालू करूँगा, यानी कि 10 तारीख की अप्रैल से मैं फड़क शुरू करूँगा अपने कबूतरों की। तो जिस तरह से मेरी बाजी की डेट वगैरह रखी हुई है मैं उसके हिसाब से करूँगा, और जैसे भी है मैं इस वीडियो आपको क्लियर कर दूंगा। आपकी जब भी कबूतर आप उड़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज या कल या परसों, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना, जो आप मिक्स दाना वाना अपने कबूतरों को दे रहे हैं ना, वो मिक्स दाना आपको बंद कर देना सबसे पहले। तो आपको ये काम करना दो दिन पहले, जो आपको कबूतर उड़ाने शुरू करने हैं अपने, यानी कि आपको पता है कबूतर तैयार है हमारे। ठीक है दोस्तों, तो दो दिन पहले अपना वो जो मिक्स दाना आप खिला रहे हो, घी की रोटी वगैरह या मिक्स दाना, उसको बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, और कबूतरों को नहला देना, उनको क्या आगे पानी वानी रख देना, कबूतर नहा के फ्रेश हो जाएंगे एकदम। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जो है जो दाना आपको कबूतर को डालना है ना, गेहूं और बाजरा लेना है दोस्तों आपको, जो है सिंपल गेहूं और बाजरा। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज लेनी है, धो के बढ़िया करके साफ करके सुखा के रख लेना इस दाने को, जो है। ठीक है ना दोस्तों, और एक बात का खास ख्याल रखना है आपको, जो है कबूतर को धूप जरूर लगी हुई होनी चाहिए आपके कबूतरों को, जो धूप है ना ये लगी हुई जरूर होनी चाहिए जब आप कबूतर निकाल रहे हो, यानी कि पीछे से आप लगाते आ रहे हो रोज की या एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर आपने धूप वगैरह नहीं लगाई अपने कबूतरों को, तो मैं उसके हिसाब से भी आपको बता देता हूं, तो फिर आप कम से कम उनको 10 दिन धूप लगानी है उनको। धूप किस टाइम से किस टाइम तक लगानी है, 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक उनको धूप लगानी है, 2 से 2.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, और ऐसी जगह पे छोड़ के धूप लगानी है, ऐसा अपना बंदोबस्त आपका होना चाहिए जहां पे हवा ज्यादा ना आए जाए। जैसे अभी क्या, अभी हवा ज्यादा चल रही है, ठीक है दोस्तों, तो मार्च के और अप्रैल के स्टार्टिंग में चलती है हवा ज्यादा, जो है। तो आपको कोशिश इस तरह करना जहां धूप तेज लगती हो कबूतरों को, उससे क्या होगा, धूप लगने से एक तो जो कबूतर का जिस्म है ना दोस्तों, वो खुशक हो जाएगा बिल्कुल, कबूतर पतले सुतले हो जाएंगे एकदम, आपके जो है फिट हो जाएंगे, फुरफुरी मारेंगे। जब आप धूप में से अंदर लोफ्ट में करेंगे ना अपने कबूतरों को, तो फुरफुरी सी मारेंगे आपके कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो धूप लगी हुई होनी बहुत जरूरी है, ये बहुत एक मेन पॉइंट है जी। ठीक है ना, ये कबूतरबाजी का। अब इसमें जब आपने धूप लगा ली और आपको दो दिन बाद कबूतर शुरू करने हैं, तो आपने दाना भी बना लिया, नहान वान भी दे लिया अपने कबूतरों को, तो दाना किस टाइम डालना है आपको कबूतरों को, ये आप जब आप कबूतरों की फड़के लेना शुरू कर देंगे ना, तो दाना डालना है आपको 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे। 3 बजे तक आपको दाना खत्म कर देना है अपने कबूतरों को, उसके बाद उनको कुछ नहीं देना, बस पानी रखे रहने देना, और वो भी जब दिन छुप जाए, जब शाम हो जाए दिन छुप जाए, तो वो पानी भी बाहर निकाल देना। अब सुबह आपको फड़क किस तरीके से लेनी है अपने कबूतरों की, जब धूप निकल गई हो अच्छी है, यानी कि तकरीबन 9 बज गए हो, 9 या 9:30, तो आपको कबूतर निकाल देने हैं 8 बजे। 8 बजे जाल में कर देने हैं, छतरी पे बिठा देने हैं, छतरी के पिंजरे वगैरह होते हैं या जो आपका लोफ वगैरह होता है, तो आधा एक घंटे उनको धूप लगेगी पहले कबूतरों को, वो थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, फिर 9 बजे या 9:30 बजे उन कबूतरों को आपको आराम से उड़ाना है। उड़ाने के बाद में छत खोल देनी है अपनी,
अगर छतरी के कबूतर हैं आपके पास बंद, तो छतरी खड़ी कर देनी है, दो तीन या एक छतरी एक खड़ी कर देनी है, जितने भी अपनी मर्जी से उड़ के आएंगे आ जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट। बाजीबाजी कबूतर तो ऐसा होता है पहले पड़क में 3-4 घंटे पार जाकर बैठता है, होता है ना ऐसा भी। तो जब लगे हाँ अब कबूतर उड़ गया, छतरी पा के बैठ गए, उनको बैठ रहने दो 10 से 15 मिनट आराम से, उनको बैठे रहने दो धूप में छतरी के ऊपर या लोफ्ट के ऊपर जैसे भी आप करते हो। आहिस्ता उस कबूतर को अंदर करें, अपने लोफ्ट में कर लें जो आपका दड़वा है जाल है जो भी है। अब बहुत से भाई इसमें क्या करते हैं, गुड़ भी देते हैं। दोस्तों आज एक गुड़ की सच्चाई इस वीडियो में आपको मैं और बताऊंगा, जो गुड़ होता है ना गुड़ लगाते हैं कुछ भाई, कुछ करते हैं ताकि उनके पल्ले वल्ले हल्के हो जाएं और वो थोड़े फिट हो जाएं जिस समय आके। बिल्कुल सही करते हैं जी अपने तरीके से वो सभी भाई, लेकिन गुड़ का क्या सिस्टम होता है ना दोस्तों, गुड़ कबूतर को खराब भी करता है। ये आप एक बात बहुत पॉइंट की है नोट करने वाली, जो गुड़ होता है ना वो अगर सही तरीके से बनावा होगा, जो हम गुड़ को बनाते हैं वो बनावा अगर सही तरीके से होगा और सही तरीके से आप यूज करोगे कबूतर पे, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले उसका, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो नए शौकीन लोग हैं या आपको ने कभी गुड़ लगाया नहीं है, जब आपको पता ही नहीं गुड़ में डलती क्या चीजें हैं तो पता भी नहीं होगा बनाया कैसे, फिर लगाओगे कैसे उसको जो है। ठीक है दोस्तों, तो जो गुड़ का टॉपिक है ना उसको खत्म कर दो यहीं अभी। गुड़ से एक सिंपल चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपकी गुड़ की रिक्वायरमेंट है कि जी गुड़ भी आसिफ भाई आप बताएं जो कि आप अपने कबूतर पर लगाते हैं या मैं लगाता हूं, तो वो भी मैं किसी वीडियो में तसल्ली से दिखाऊंगा आपको जो है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं चाहता हूं बिल्कुल सिंपल चीज आपको बताता हूं। जब आपके कबूतर लोफ्ट में अंदर आ चुके हैं ठीक आगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, उनको 10-15 मिनट आराम से रेस्ट करने देना है। ठीक है दोस्तों, और सादा गुनगुना पानी लाना है आपको, जो सादा सिंपल गुनगुना पानी करके लाना है। वो पानी का क्या करना है, उस कबूतर को 2-3 बार में उनका पानी पूरा करा देना, एक दो ठोंग मारेंगे पानी में वो, लेकिन पेट भर के मत पी देना, एकदम हल्का गुनगुना सा, गला वाला ना जल जाए उनका, इस तरीके से ध्यान रख लेना जो है। ठीक है ना, तो जब उनको पानी वानी पी लिया तो बस ठीक है, उनको बंद कर देना जिस टाइम भी उड़ के उतरे, फिर वही अपना जो आपका दाने का टाइम है दाना उसी टाइम पे डाल देना, गेहूं बाजरा सिर्फ सिंपल, अभी कुछ नहीं करना है आपको जो है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको करना क्या है, एक दालचीनी लेनी है, अपने कबूतरों के हिसाब से ले लेना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे तकरीबन आपको आधा लीटर पानी लेना या 1 लीटर पानी लेना, आप 1 लीटर पानी का हिसाब लगा लीजिए। उस 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, 20 ग्राम दालचीनी घेर देना, सिंपल दालचीनी होती है ना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है हर इस चीज का। ठीक है ना, और आंबा हल्दी ले लेना, आंबा हल्दी ठीक है ये 10 ग्राम ले लेना। इनको क्या करना आपको जो है, जो आपका जो पानी हमारा 1 लीटर सादा सिंपल, उसको इन चीजों को उसके अंदर डाल के हल्का हल्का सा कूट के इसको उबाल देना, बहुत बढ़िया तरीके 3-4 उबाल आ जाएं जब इसके अंदर से 200-250 ml पानी जल जाए इसका जो है, मंदी आग पे इस पानी को छान के ठंडा करके बोतल में रख लेना। ठीक है दोस्तों, जो आप पानी शाम को यूज कराओगे ना कबूतरों को दाने के साथ, जो आप शाम को कबूतरों को दाना डालेंगे, दाना डालने के बाद पानी मत रखना तुरंत उनको जो है। आपको क्या करना है, जैसे छोटा बर्तन उड़ने वाले कबूतरों के लिए हमेशा छोटा बर्तन में पानी देना जब कबूतर आपके उड़ानों पे आ जाएं, ये भी बहुत पॉइंट की है। ठीक है दोस्तों, छोटे बर्तन में पानी देना उनको जो है, तकरीबन अपने कबूतरों के हिसाब से देख लेना भाई। ठीक है ना, आधे 1 लीटर का हो जैसे भी हो, तो अगर 1 लीटर पानी आपके उस बर्तन में आ रहा है ना, तो जो हमारा चाय पीने वाला कप होता है ना, उस एक कप को जो हमने पानी बनाया है उसको डाल देना उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर डाल दिया आपने, वो उस पानी को पियेंगे, रात आते हैं फेर फ्रेश बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपके कबूतर। अगले दिन भी सेम यही करना है आपको जो आपने आज करा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 बजे धूप में निकाल दिए, 9 बजे कबूतर उड़ा दिए, वो अगले दिन टाइम बढ़ाएंगे 110%, और छतरी वतरी अपनी खड़ी कर देनी है। ठीक है ना दोस्तों, जब उड़ के आए सेम जो आज आपने करा है वही कल करना है, ये प्रोसेस आप उनके साथ कल कर देना, फिर परसों फिर उड़ाने हैं आपको कबूतर तीसरे दिन भी सेम आपको ये सिस्टम करना है। अब जब लगातार 3 दिन हो जाए तो कबूतर देखेंगे आपके बिल्कुल हल्के हो चुके होंगे, आपके कबूतर कुंदे वुंदे हल्के हो गए होंगे एकदम जो है, और जल्दी सांस पकड़ लेंगे अपने कबूतर, तो खड़ी छतरी पे उड़ाना। अभी जब 3 दिन लगातार उनको हो गए, लगातार इस काम को करते करते हो जाए, तो आपको करना क्या सिंपल बिल्कुल जो है, कबूतरों को पानी मत देकर उड़ा देना गलती से, ये बात ध्यान रखना, कभी सुबह को उनको 5-5 ml पानी देकर उड़ाना शुरू करने लगो। ठीक है ना, सूखे उड़ाने हैं कबूतर, फिर उसके बाद ये पानी बंद कर देना जो है, फिर उनको 1 दिन का रेस्ट देना। जब 3 दिन लगातार फड़क हो गई ना कबूतर, तो 1 दिन का रेस्ट देना उन कबूतर को, फिर 2 दिन उड़ाने लगातार इसी तरीके से, लेकिन पानी वो यूज मत कराना जो हमने बनाया है। ठीक है ना दोस्तों,
सिर्फ सादा गुनगुना पानी यूज कराना है आपको, जो है संभाल के टाइम जो कबूतर उड़ के उतरेंगे जो उनको पानी देना है, शाम के टाइम जो आप दाने के साथ पानी देंगे फिर 3 दिन के बाद में वो नॉर्मल अपना जो सा भी नल का या समर का आप जैसा भी खींच के देते हो टंकी वंकी का आप अपना आराम से दे सकते हो। अब जब 3 से 4 दिन धीरे धीरे जब आपको हो जाएंगे तो जब लगभग आपके कबूतर इस पानी से पहली बार तो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे वो, जैसा मलका कर लेंगे तो 4-5-6 घंटे पर आराम से आ जाएंगे, खुराक खुराक अभी कुछ नहीं देनी उनको जो है, ठीक है ना दोस्तों। जब 4-5 घंटे की फड़क आप कम से कम 3-3 ले लें उन कबूतरों की, यानी कि 10 से 12 फड़के उन कबूतरों की हो चुकी हैं और 5 घंटे के पार ही कबूतर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो टाइम आपका है ना आस्ते आस्ते नीचे भी उतरेगा। जैसे आप 9-9:30 बजे उड़ा रहे थे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट कम, 20 मिनट कम, आधा घंटा कम 9:30 से धीरे धीरे कम पे भी लाना और सुबह 7 बजे पे ले आना, उस दौरान कबूतर आपका टाइम बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब आप कबूतर देख रहे हो बिल्कुल आपके कबूतर खिंच के और सुत के आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से आए कबूतरों को और उनको अंदर लॉफ्ट में छोड़ा, जब पानी आप उनको दिखा रहे हो तो पानी पर टूट के पड़ रहे हैं बिल्कुल, ये एक बहुत पॉइंट की बात है ये वाली, जब कबूतर टूट के पानी में पड़ेगा तो समझ लेना कि हाँ आप कबूतरों को सुबह जाते टाइम पानी की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ फारसी वाला पानी नहीं देना, पानी किस तरीके से यूज कराना है कबूतरों को ये बहुत एक मेन पॉइंट की बात भी है। अब इसमें क्या होता है ना, बाजी कबूतर जो खुद शरीर के अंदर पानी होता है ना, कबूतर का जो शरीर होता है उसके अंदर खुद भी जो पानी होता है, कभी कभी कबूतर को बाजू पल्लों में वो भी उतर आता है, तो ऐसा होता है जो हमारा कबूतर 5-6 घंटों पे एकदम आ जाता है फिर एकदम डाउन आ जाता है, एकदम डाउन हो जाएगा, आधा घंटा 20 मिनट उड़ेगा बस नीचे उड़ता रहेगा, ना आसमान जाएगा ना लंबा जाएगा, पता नहीं अजीब उड़ान हो जाएगी उसकी, ये होता है, ठीक है, एकदम चालू तो हो जाता है 5-6 घंटे पे लेकिन एकदम टाइम नीचे गिरा देता है अपना जो है, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है, अच्छी तरीके से धूप लगी हुई नहीं थी और उसके जिस्म में ऑलरेडी पानी था, वो पानी उसके पल्लों में चढ़ जाता है। अगर आप 20 कबूतर तैयार कर रहे हो तो 2 कबूतरों के साथ जरूर होता ही होता है, ठीक है ना, ये चीज जो है। अब चलो ये तो हो गया, वो एक अलग सिस्टम हो जाएगा जब कबूतर सूज जाएगा, उसका मैं तुमको एक अलग चीज बताऊंगा, बहुत सिंपल सी है जो है। अब जब आपको कबूतर को पानी स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों, पानी किस तरीके से स्टार्ट करना है आपको जो है, जब सुबह आप कबूतर छोड़ोगे ना अपने, तो 5 ml पानी के हिसाब से जितने भी कबूतर आप अपने उड़ा रहे हो 5 ml पानी के हिसाब से कर लेना इकट्ठा पानी, जितने भी आप उड़ाना चाहते हो कबूतर, और 5 ml पानी में 1 बूंद या 2 बूंद शहद की डालनी है आपको जो है, ठीक है दोस्तों, शहद की डालनी है, बहुत जरूरी है। शहद जो है गर्म होता है दोस्तों, और वो क्या होगा ना, जब कबूतर उड़ेगा तो वो पल्लों में निवास भी देगा और पानी नहीं चढ़ने देगा उनके कुंदों में या जिस्म में जो है, ठीक है ना, तो वो पानी भी आपको गुनगुना लेना है। जब आपको सुबह पहली दफा कबूतरों को पानी इस्तेमाल करना है ना, वो गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर शहद डाल के 5 ml पानी में 1-2 बूंद के हिसाब से ले लेना, मिक्स करके सारे कबूतरों को उड़ाने से 10 मिनट पहले दे देना, ठीक है, उड़ाने से 10 मिनट पहले कबूतर को दे देना और फिर निकाल के पल्ला दे देना कबूतर को, चल भाई अब उड़ान दे गया हमने। अब इस तरीके से जब आपने पहले दिन आज पानी यूज कर लिया, फिर कल फिर उड़ाना है आपको वही कबूतर, कल फिर उड़ाने, इसी तरीके से पानी बढ़ाना है, इसी तरीके से देना और 5 ml ही पानी देके उसको उड़ाना है कबूतर को। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपके कबूतर 5-6 घंटे पर आराम से आ जाएंगे, तो फिर उनको एक दिन का रेस्ट दें एक दिन उड़ाएं, पानी इस तरीके से बढ़ाएं, लेकिन जो शहद वाला पानी है वो सिर्फ 2 दिन देना, उसके बाद में फिर जो आपका सादा टंकी का पानी होता है ना वो बढ़ाते रहें, 5 ml फिर 7 ml फिर 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml, इस तरीके से धीरे धीरे कबूतर का पानी बढ़ाएं और धूप जरूर लगाएं कबूतर को, यानी कि जिस दिन कबूतर उड़ के उतरा उस दिन तो आराम से लॉफ्ट में जाएगा वो, सिंपल बैठेगा जाके, ठीक है दोस्तों। और जिस दिन कबूतर का रेस्ट होगा, रेस्ट वाले दिन हमेशा 9 बजे से 11 बजे तक धूप जरूर लगानी है आपको कबूतर को। अब दोस्तों जिस दिन रेस्ट होगा उस दिन आपने धूप लगाई, ठीक है, अभी ये जिस दिन रेस्ट होगा, जब आप कबूतर ज्यादा लंबा खींचना शुरू हो जाएगा ना, यानी कि 2 बजे के या 3 बजे के पार बैठने लगेगा, फिर उसको आप 2 दिन का रेस्ट दें उस कबूतर को, फिर उसको फिर हफ्ते में 2 बार धूप लगाएं, ज्यादा धूप लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में फिर 2 बार धूप लगाएं, लेकिन लगानी भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे पानी आपने बढ़ाया, टाइम कबूतर ने बढ़ाया, फिर क्या करना है, आपके कबूतर उड़ना शुरू कर देंगे, फिर उनको खुराक देनी शुरू कर देनी है आपने जो है, जैसे 5 घंटे तकरीबन 5 घंटे प्लस उड़ने शुरू हो जाएंगे आपके कबूतर, उनको धीरे धीरे खुराक देनी शुरू कर देनी है। अब खुराक क्या देनी है, सिंपल बादाम देने हैं यार, पानी में रात को भिगोने हैं, शाम के टाइम सुबह जिस दिन रेस्ट होगा कबूतर को उस दिन सुबह खिला देने हैं 8 से 9 बजे, चाहे गोली बना के खिला दो, चाहे पीस के बना के खिला दो, चाहे तोड़ के खिला दो, ठीक है दोस्तों। और जिस दिन कबूतर उड़ के उतरेगा तो उस दिन संभाल वगैरह करने के बाद ही आपको बादाम खिलाने हैं,
ठीक है दोस्तों। तो ये तो छोटा सा प्रोसेस पूरा है, खुराक की वीडियो भी थोड़ी सी अलग बना दूँ क्योंकि पूरा सिस्टम ही बताना पड़ता है यार, क्योंकि एक वीडियो में कहाँ तक सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हर चीज एक एक पॉइंट ना उससे जुड़े हुए होते हैं, अगर वो हम मिस करते चले जाएंगे तो वहीं से हम मार खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब जब ज्यादा गर्मी पड़ने शुरू हो जाएगी फिर तो संभाल बहुत जरूरी है भाई कबूतर की। जब ज्यादा गर्मी पड़ने शुरू हो जाएगी तो उस संभाल जाओ कबूतर, दो पिलर्स जाने लगेंगे और गर्मी ज्यादा पड़ने लगी कबूतर जोर मार के आगे बैठने लगे और कबूतर आपके पानी उठाने लगे हैं, 20 से 30 ml पानी, 30-35 ml पानी आपका कबूतर लेके जा रहा है, ठीक है। लो फ्लायर कबूतर आराम से उठा लेता है इतना पानी, पंजाबी हो या मद्रासी हो, ठीक है दोस्तों। अब फिर तो जब कबूतर उड़ के उतरा तो आपके पास में एक गुलाब का अर्क, गुलाब का अर्क आपके पास जरूर होना चाहिए भाई, गुलाब का अर्क और एक पुदीने का अर्क, ये दो अर्क आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो ग्लूकोंडी भी काम कर देती है यार, ग्लूकोंडी होते हैं ना सिंपल ग्लूकोंडी, वो भी काम कर देती है। अगर ग्लूकोंडी भी नहीं है तो सादा पानी भी काम कर देता, काम चलाओ, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये तीन चीजें हैं बेस्ट, तो वो ये जो आपको बता दिया गुलाब के अर्क और अपना पुदीने का अर्क, उसके बाद ग्लूकोंडी उसके नीचे आ जाती है, उसके बाद तो फिर सिंपल पानी है। अब संभाल किस तरीके से करनी है आपको अपने कबूतर, जब कबूतर आपको उड़ के उतरा, बढ़िया गर्मी पड़ रही है और अच्छा अपना 2:30-3 बजे आके बैठ गया कबूतर, जब बढ़िया गर्मी चलती है ना टॉप वाली इसको बोलते हैं 45-46 डिग्री टेम्परेचर, तो कबूतर 2:30 से ऊपर नहीं जाता भाई, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है ये भी है, बाकी टेम्परेचर 40+ होता है या 40 ही होता है तो कबूतर शाम शाम तक चले जाते हैं। अब उस आए कबूतर की संभाल किस तरीके से करनी है आपको, पहले आके बैठे रहने देना उस कबूतर को, एक रुई ले लें या सिंपल कपड़ा ले लें, कपड़े की बत्ती सी बना लें, कुछ पलगल का धागा सा लपेट लें, हल्के से सादा पानी से उसको पहले गला वाला साफ कर देना, गला वाला साफ करने के बाद में उसको छोड़ देना, उसको 2 ml पानी पिला देना बस, 10-15 मिनट के बाद जब कबूतर उड़ कबूतर उसको हाथ नहीं लगाना, उसको बैठे रहने देना, गला वाला साफ करा 2 ml पानी पिला के छोड़ देना। अब आपके पास में गुलाब का अर्क है और पुदीने का अर्क है, इन दोनों चीजों की 3-3 या 2-2 बूंद आपको सिंपल सादा पानी में लेनी है, सिंपल पानी जो होता है बिल्कुल, और कबूतर को 2-3 चुस्की लगवा देनी है, एक घूट पिएगा पहले कबूतर का, अगर किसी छोटी सी उसमें रख दें कबूतर पिएगा, हटा लेना पानी, उसके 7 से 8 मिनट के बाद में फिर दोबारा रखना वही पानी उसके आगे, चुस्की मारेगा हटा देना, चुस्की नोक दुबाई इतनी नहीं, थोड़ा सा पी लेने देना उसको जो है, हटा दिया फिर तीसरी बार में उसको सादा पानी उसके आगे रख देना 10 मिनट के बाद, तीसरी बार में तो कबूतर अपना पेट भर के पानी पी लेगा, जितना उसको चाहिए उसने पी लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब खुराक जो आपको देनी है, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट की बात है, बाजी लोग ऐसा होता है जब कबूतर उड़ के उतरा बस पानी वानी पिला जल्दी उसको खुराक भी दे दी, उसको चेक नहीं करा कबूतर को कि उसने पानी हजम करा या नहीं करा। अब इसमें क्या होता है, जब पानी हजम कर लेगा वो कबूतर, जैसे हमने पेट भर के उसको पानी दे दिया, अब उसने घंटे 2 घंटे बाद उसको हम आके देखेंगे कबूतर को, अब उसको हिला के देखेंगे ऐसे हल्के से, उसको पेट में अगर पानी बोल रहा है, पहले तो 2-2.5 घंटे बाद बोलेगा नहीं अगर उसको कबूतर का हाजमा सही चल रहा है तो, उसके बाद जब पेट बिल्कुल खाली है उसका तो उसको बादाम दे दें, जितने भी आप उसको बादाम देते हैं उतने उसको बादाम उसके आगे रख दें, 10, 12, 15 जितने बादाम पेट भर खा लेगा कोई टेंशन, जितने छोड़ेगा छोड़ देगा। अगर आप गोली बना के खिलाते हैं बादाम की, तो अगर आप सपोज करें अगर 5 गोली खिलाते हैं तो उस दिन उसको 4 गोली खिला दें, ठीक है ना, बादाम की वाली भी, उसके बाद दाना वाना तो वो खाएगा नहीं क्योंकि बादाम से ही पेट भर लेगा अपना, शाम हो चुकी होगी तब तक उसका, रात को खिलाओगे फिर सुबह अगले दिन उसको बादाम बादाम अपने दे देने हैं और फिर जैसे दाना रूटीन में डालते हो दाना अपना डाल देना। हफ्ते में 2 बार धूप जरूर लगानी है। अब देखो मैं भी ना हर एक चीज सोच सोच के बिल्कुल पॉइंट की बता रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें बता पाऊँ आप मेरे सभी प्यारे भाइयों के लिए, ठीक है दोस्तों। अब अगर वो तो बता दिया अर्क का हिसाब मैंने, अगर वो नहीं है ना आपके पास में तो ग्लूकोंडी मिला के दे सकते हैं, देने का तरीका सेम वही होगा जो अभी आपको मैंने पीछे बताया, और सादा पानी का देने का तरीका भी यही होगा जो आपको मैंने बताया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें करना क्या, रात को कबूतर को 9 बजे 20 ml पानी देना, रात को 9 बजे आके, ठीक है ना, सादा पानी 20 ml, लास्ट 11 बजे सादा पानी 30 ml दे के जाना है उसको, जो है रात को 2 बार पानी लगता है कबूतरों को, ये एक बहुत मेन पॉइंट की बात है, रात को 2 बार पानी लगेगा, ताकि जो कबूतर आपको सुबह उड़ाने हैं ना उनको भी, मतलब जो कबूतर आपने उड़ानों पे लगा दिए कि हाँ भाई 10 कबूतर हमारे उड़ानों में लग चुके हैं या 20 कबूतर लग चुके हैं, तो उनको रोज पानी दे के जाना है, जब कबूतर पक्की उड़ान देने लगेगा पूरी अपनी 5-6 घंटे उड़ने लगेगा बढ़िया गर्मी में, 1-2 पारा होकर बैठने लगेगा, तो रोज शाम को तो आपने 3 बजे उनको दाना डाल दिया, पानी उनको आगे रखा था आपने, शाम को आए पानी उनको आगे से हटा दिया रोज की, अब रात को 9 बजे आए
कबूतरों को सबों को 20-20 या 25-25 एमएल पानी पिला गए, फिर रात को 11 बजे इतना ही पानी लेकर जाना है, 20-25 या 30 एमएल पानी, सादा पानी। अगर आप देख रहे हैं जैसे मई जून चलती है ना, तो उसमें क्या होता है रात को घम्मस बन जाती है बहुत ज्यादा, शाम के टाइम घरों में से भपके से निकलते हैं, ठीक है, तो सारे कबूतर अपने किसी जाल वाल में निकाल के बाहर रख दिए बेचारों को 2-2.5 घंटे के लिए, ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं कबूतर। अगर आपके पास जाल बना हुआ है तो उसके अंदर छोड़ दीजिए, या आपका छतरी वाले पिंजरे हो तो उसके अंदर छोड़ दीजिए, थोड़ा बिल्ली बिल्ली का ध्यान रखना, इतने वहीं बैठे रहना, ठीक है। जो गर्मी पड़ती है तो मैं पता है आदमी भी घरों में से निकल के छत पे आ जाता है, क्योंकि घरों घुम्मस घुम्मस से निकलती है घरों के अंदर से। ये भी बहुत मेन पॉइंट की बात, अब ये मैं सोच ना कि यार बात है मेन पॉइंट क्यों बोल लेता है, क्योंकि यार ये बात नहीं बताएगा तुम्हें कोई भी, अगर बताई हो तो किसी ने बता दो, पूरे यूट्यूब पे जाओ यार, ठीक है। अब उनको रात को चिल्ड कर दिया कबूतर 2-2.5 घंटे आपने, फिर उनको उनके लोफ्ट में वापसी छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, फिर वही अपने धीरे धीरे उड़ान शुरू करी उन कबूतरों की, ये रूटीन आपका चलता रहेगा, कबूतर पक्के हो जाएंगे आपके, खुराक आपकी बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बादाम बढ़ाते रहेंगे आप, जैसा आपने स्टार्टिंग करी 5 बादामों से, तो 15 बादाम या 10 बादाम एक कबूतर के लिए काफी है। दाना आपको सिंपल वही देना है, गेहूं बाजरा। जब ज्यादा गर्मी आपको लगे कि हाँ ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो आप दाने को पानी में फिलो के भी दे सकते हैं, सुबह आए 6 बजे दाना पानी में फिलो गए या 7 बजे फिलो गए, जब 3 बजे या 2 बजे आपको दाना देने का टाइम हुआ, तो उस दाने को पहले और साफ पानी में खंगाल के सुखा लिया, हल्का सा छाई में रख के कपड़े के ऊपर रख के सुखा लिया, उसको डाल दिया। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अपना सिंपल दाना वही बाल्टी में से निकाला डाल दिया, पानी आपको 3 बार लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि पानी हजम हो जाएगा, कबूतर का जो हाजमा वो सही चलता रहता है। अब इसका जो आपको पुदीने का जो अर्क है ना, हफ्ते में 2 बार सभी कबूतरों के पानी के कुंडे में जरूर डालना है, हफ्ते में 2 बार सभी कबूतरों के कुंडे में जो आपको उड़ने वाले कबूतर ना जरूर डालना है, उससे क्या रहेगा हाजमा कबूतर का फिट रहेगा, और हाजमा कबूतर का फिट रहेगा तो भाई कबूतर सुपर फिट रहेगा, फिर आपको उड़ान पूरी देके आएगा। तो हमेशा संभाल में लापरवाही ना करा करें आप, संभाल बहुत जरूरी है कबूतर की, अगर आप संभाल अच्छी कर लोगे तो हर फड़क पे कबूतर आपका अच्छा ही उड़ के आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इस बीच में अगर आपका प्लान है भाई हफ्ते में 1 बार कबूतरों को नहान दे दें, जो आपके उड़ने वाले कबूतर हैं हफ्ते में 1 बार उनको नहला दें, 10 दिन में नहला दें, 1 बार नहला जरूर दें उनको, जो है नहीं भी नहलाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहला देंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोनों चीजें आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत फिर कंफ्यूज करते हैं लोग कि भाई नहीं नहलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों चीज कवर करता जा रहा हूं मैं साथ के साथ ही। अब इस बीच जब आपके कबूतर उड़ने शुरू हो गए, अब इस बीच में खुराक भी आपने दी, पानी भी चालू कर लिया, भैया अपने फिर बाजियां उड़ाओ, नुक्ते लगाओ, जो भी आप करते हो एक्स वाई जेड वो करो। एक ठंडा पानी भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि जब कबूतरों को बाहर उड़ाते हो या आप घर की बाजी में छोड़ते हो, अगर आप मेडिसिन भी लगाते हो कबूतर को, गोली गाली लगाते हो, तो उसके साथ ही वो पानी चल जाएगा। भाई गोली सब लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गोली नहीं लगाता हो कबूतर के ऊपर, ठीक है ना, इतने कोई सीधा सज्जन नहीं है, बस ताकि ये है कि हाँ कुछ लोगों पे अच्छे पानी है, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो पानी पे चलाते हैं कबूतर, लेकिन जब दूसरा तीसरा दिन लगता है ना तो गोली वो भी ठोकते हैं फिर कबूतर पे, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, जितनी भी बड़ी वीडियो बनी होगी आप लोगों को देखनी जरूर है, लास्ट इस वीडियो का यही होता है, बाकी खुराक उराक आपको सब कुछ मैंने बता दिया। अगर किसी भाई का कबूतर सूज जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है कबूतर में, उसका भी एक वीडियो मैं जरूर बना दूंगा आप मेरे सभी दोस्तों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ठंडे पानी की एक वीडियो और आपके सामने आने वाली है, तो मैंने कोशिश करी है आपको एक वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की, ठीक है ना दोस्तों। तो हम वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों ही, और एक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग और अच्छा सा टॉपिक लेके। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट डाल दो प्यारा सा, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत कोशिश करी आपको अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट।